नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देहरादून में भारी तबाही के बाद भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश की वजह से मकान के धराशायी होने की तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए किस तरह से भारी बारिश में भरभराकर ताश के पत्तों की तरह से ये मकान गिर जाता है। आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश, उसके बाद बाढ़ और कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर भारी तबाही के बाद भीषण तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से ये मकान धराशायी हो गया। हालांकि राहत की बात यही रही, उस समय मकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था। देहरादून में कुदरत ने भीषण तबाही मचाई हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से भरभराकर ताश के पत्तों की तरह देहरादून में भारी बारिश की वजह से, चूंकि नींव इसकी काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी और इस वजह से ये मकान ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। आपको बता दें उत्तराखंड के जगह जगह अलग अलग दूसरे हिस्सों से भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं भूस्खलन, कहीं भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से तबाह अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये तस्वीरें तो देहरादून की हैं। देहरादून में देखिए किस तरह से मलबे में कुछ ही पलों में तब्दील हो जाता है एक मकान। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपके सामने। राहत की बात यही रही कि इस मकान में उस वक्त किसी की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि जर्जर हालत जिस तरह से आप मकान की देख रहे हैं, भारी बारिश ने इसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद भरभराकर ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। आपने तस्वीरें देखी देहरादून की। उधर केरल के बाद अब दक्षिण के 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। केरला की तस्वीरें लगातार आज तक पर हमने आपको दिखाई। वहीं इन दोनों राज्यों की बात करें तो यहां पर गोदावरी समेत दूसरी नदियों का पानी कहर बरपा रहा है। वारंगल और कृष्णा समेत कुछ शहर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के बाद बांध से कुछ इस तरह पानी छोड़ा गया और फिर कुछ ही घंटों के भीतर वारांगल शहर का ऐसा हाल हो गया। पूरे शहर में पानी भर गया। 3-3 फुट पानी से गुजरकर लोगों को निकलना पड़ा। पानी में फंसकर कई गाड़ियां खराब हो गईं। शहर की हर सड़क पानी में डूबी दिखी। अब तेलंगाना की इन तस्वीरों को देखिए। सिद्धिपत में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ एक ट्रक को बहा कर ले गई। पूरे इलाके में हर तरफ पानी था। ट्रक को तो खोज लिया गया, लेकिन ट्रक के ड्राइवर का अब तक पता नहीं चल पाया है। वारांगल की ही इन तस्वीरों में नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। निचले इलाकों में नदियों का पानी सड़कों को अपनी चपेट में लेता गया और कई यात्री बसें फंस गईं। तेलंगाना में गोदावरी नदी का लेवल खतरे के निशान को पार कर गया। इसके बाद नदी के किनारे के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला भी बाढ़ की मार से बेहाल है। दक्षिण के राज्यों में केरल के बाद आंध्र और तेलंगाना प्रकृति के गुस्से का शिकार हो रहे हैं और फिलहाल राहत नहीं दिखती है।
ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। वहीं देश के दो बड़े सूबे यूपी और बिहार भी लगातार कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इनमें भी बिहार की हालत ज्यादा खराब है, जहां सैकड़ों गांव महीने भर से ज्यादा वक्त से पानी पानी है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी कई शहरों में हजारों लोगों को बेहिसाब तकलीफ दे रहा है। बेबस यूपी बिहार, बाढ़ की बेहिसाब मार, गांव-गांव बाढ़ की मार, तबाही की आगे जनता लाचार। बाढ़ और बदकिस्मती बिहार के साथ कुछ इस तरह जुड़ गई है कि ये बेबसी साल दर साल पीछा नहीं छोड़ती। महीने भर से कई जिलों में बाढ़ ने मानव जिंदगी को ब्रेक लगा दिया हो। समस्तीपुर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोग बेबस होकर बस पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। घर, सड़कें, मंदिर, सब कुछ पानी में डूबा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी बस पानी ही दिखेगा। क्या इंसान और क्या बेजुबान जानवर, सब इस जलप्रलय को झेल रहे हैं। 9 ब्लॉक के 150 गांव में यही हाल है। 1.25 लाख लोग प्रभावित हैं। बागमती, कोशी, करेह और बूढ़ी गंडक नदियों ने जिंदगी हलकान कर डाली है। समस्तीपुर दरभंगा सड़क मार्ग के दोनों छोर पर बाढ़ प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। सिवान में बाढ़ से कई पेड़ गिर गए हैं। एक पेड़ के नीचे दबे शख्स को एनडीआरएफ ने कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। गया में नेताजी बाढ़ पीड़ितों से मिलने निकले तो उनको भी बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ा। इंसान के साथ साथ जानवरों का भी प्लान जारी। बिहार के बाद अब यूपी का रुख करते हैं। बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। सरयू नदी की बाढ़ से 55,000 लोग बेहाल हैं। घर, गांव, खेत खलिहान सब पर पानी का साया है। हर तरफ दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल और सरकारी इमारतें पानी में डूबी हैं। पानी में डूबे घरों से निकलने के लिए सिर्फ नाव का ही आसरा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाढ़ के पानी से कुछ इस तरह साइकिल पर बैठा कर निकाला जा रहा है। बाढ़ का पानी पूरे गांव की जमीन को काट रहा है। अफसर आते हैं और वीडियो बनाकर ले जाते हैं। हकीकत में होता कुछ भी नहीं। समस्या यहाँ कटान इतनी तेजी से हो रही, कोई ख्याल खबर ले नहीं रहा यहाँ पर। जिसको जो कोई आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखभाल के चले जाते हैं, वीडियो बना के कुछ करते नहीं है। एक बार काम भी चला, 1,500 बोरी डरवा के काम भी बंद करवा दिए। जरा बहराइच के एक थाने का हाल देख लीजिए। 2-2 फुट पानी भरा है। कई रोज से यही हाल है। इसी पानी में खड़े होकर झंडा भी फहराया गया। यह मोरनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 2017 में भी यहाँ बाढ़ थी और यही हालत थी जो आज है। करीब करीब 2 फुट यहाँ पानी भरा हुआ है और इसमें हमने जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को सलामी दी। बाढ़ बेहाल कर रही है, लेकिन सरकारी एजेंसियां शायद नींद में हैं और यूपी बिहार के कई जिलों के लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। वहीं सैलाब ने गुजरात की सूरत की तो सीरत ही बिगाड़ कर रख दी है। जगमग रहने वाले इस शहर में हर तरफ पानी ही पानी है। गली मोहल्ले सब तरबतर हैं। इतना भी होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन तेज बहता पानी मानो लोगों की जिंदगी बहा ले जाने पर आतुर हो। नतीजा यह है कि एनडीआरएफ की टीमों को लोगों की जान बचाने के लिए मिशन मोड पर लगाया गया है। Thank you.
सूरत की सूरत और सीरत दोनों सैलाब ने बदल दी। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें आपको सारी कहानी बता देंगी। सूरत शहर के लिम्बायत ने अरसे बाद ऐसा मंजर देखा है। बाढ़ ने नाक में दम कर दिया है। आलम यह है कि सूरत महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम को रेस्क्यू पर झोंकना पड़ा है, लेकिन ये टास्क इतना बड़ा है कि हर किसी तक वक्त रहते राहत पहुंचानी बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। सूरत महानगर पालिका की फायर टीम यहां फंसे लोगों का रेस्क्यू भी कर रही है। कई लोगों को यहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर वंशा निधि पाणी की माने तो यदि सूरत शहर के ऊपरी हिस्सों में बारिश थमी तो ही हालात सामान्य होने की संभावना है। चलिए आपको लेकर चलते हैं सूरत शहर के लिम्बायत इलाके की गलियों में। हर तरफ दुर्दशा का आलम है। स्थिति की भयावहता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारी टीम को भी इस इलाके का जायजा फायर टीम की बोट में बैठ कर लेना पड़ा। सूरत के खाड़ी किनारे वाले लोगों की हालत बेहद दयनीय है। खाड़ी का पानी सूरत के पूना पुलिस थाने के भीतर भी घुस गया है। इसके अलावा सूरत जिले में जलभराव की परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ के 22 जवानों की एक टीम को बड़ौदा रवाना किया है। कीम नदी में पानी का उफान सूरत जिले के कई इलाकों को प्रभावित कर रहा है। इसके मद्देनजर ही इस टीम को तैनात किया गया है। चूंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए प्रशासन कोई कोताही भी नहीं बरत रहा। 24 घंटे में 6 इंच 150 मिलीमीटर जितना बरसात हुआ है, जिसके कारण खास करके ये खाड़ी विस्तार जो है ये हर साल इसमें पानी आता है और ये खाड़ी विस्तार में जो लोग हैं उनका बचाव कार्य अभी चालू है। लगभग 752 लोगों को स्थलांतरित किया गया है। उसके अलावा 129 लोगों को भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। हीरा व्यापारियों का यह शहर घुटने पर है। पहले कोरोना ने मारा, अब बाढ़ सारा कामकाज ठप किए हुए है। संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। बाढ़ और बारिश के बीच रेस्क्यू की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई कह रही हैं कि बचने वाले को जिंदगी दोबारा मिली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वडोदरा की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ के पानी में एक कार बहने लगी। कार अकेली नहीं थी, उसमें एक सीनियर सिटीजन भी थे जो उसको चला रहे थे। कार बहते हुए चली जा रही थी, लगा कार सवार भी बह जाएंगे इस पानी के साथ, लेकिन बड़ी ही मुश्किलों से उनका बचाव कर लिया गया। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन दिल धड़काने वाला रहा। बाढ़ में फंसी कार, कार के ऊपर ड्राइवर राजेंद्र, ऐसे हुआ रेस्क्यू। जान बची लाखों पाए। चले कैसे? गुजरात के वडोदरा में फंसी एक कार, कार के बीच फंसी एक जिंदगी। ये आवाजें इस शख्स को बचाने के लिए ही हैं। कार की परवाह नहीं, कार आती जाती रहेगी। दरअसल सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र नानाबा कार लेकर निकले थे। कार सैलाब में फंस गई और देखते ही देखते कार में पानी भर गया। सूझबूझ दिखाते हुए राजेंद्र नानाबा अपनी गाड़ी पर चढ़ गए। स्थानीय लोगों ने चीख पुकार मचाई तो वडोदरा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई। फायर ब्रिगेड द्वारा तेरे रेस्क्यू करीने और ऐसे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दिल धड़कता रहा, क्योंकि उम्र दराज राजेंद्र अगर फिसल जाते तो बाढ़ बहा ले जाती। जान बची लाखों पाए, सही मायने में बधाई की पात्र है फायर ब्रिगेड की टीम। चले कैसे? गोपी घांगर, वडोदरा आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।
असम ले चलते हैं आपको, जहां पर बाढ़ का पानी उतर जरूर रहा है लेकिन जाते जाते तबाही के निशान छोड़ गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक बेबी राइनो कीचड़ में चलते चलते गिर गया। उसकी जान पर बनाई थी लेकिन बड़ी ही मुश्किल से उसे रेस्क्यू कर रिहैब सेंटर भेजा गया है। एक बेबी राइनो का रेस्क्यू। काजीरंगा में लोगों ने बचाई बेबी राइनो की जान। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। बाढ़, बारिश और दलदल से लड़ते लड़ते ये बेबी राइनो लाचार हो गया। इंसान इस जानवर के बच्चे को भला कैसे छोड़ देते? जिसने सुना वही यहां पहुंचा और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। डरते डराते बचते बचाते लोग इस बेबी राइनो को उस जगह से खींच कर लाए। बेबी राइनो को सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर पर रखा गया है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये ताजगी महसूस करे। बगल में खाने के लिए पत्ते भी रखे गए हैं लेकिन बेबी राइनो अभी सदमे में है। कोलकाता से मनोज्ञ लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरह से कुदरत ने कहर ढाया हुआ है, जिंदगी पानी पानी हो गई है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।